तो भाई आज की वीडियो में कुछ भी कहने से पहले एक बहुत बड़ा थैंक्स आप लोगों को, क्योंकि कल के दिन हमने लॉन्च किया इस चैनल पे अपना वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग और जिस तरीके के प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए और भाई जितने सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए उतने कमेंट्स आज तक इस चैनल की किसी वीडियो में नहीं आए थे। तो कुल मिला के जो मेहनत थी बहुत हद तक वसूल हो गई। बहुत हद तक मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस वीडियो पे किसी वजह से हमें कॉपीराइट आया है, तो उस वीडियो से हमें एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई है। जो भी कमाई है वो बस आपका प्यार है और अंत तो वही मैटर करता है ना। लेकिन भाई मैटर जो है वो आज का दिन भी बहुत करता है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज का दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था। पर वो देखने से पहले भाई जहां मैंने जिक्र करा वर्ल्ड कप 2023 का, देखो भाई वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैचेस इतने शानदार होने वाले हैं, तो आखिर इंतजार क्यों ना करें। लेकिन क्या वर्ल्ड कप में बैठ के सिर्फ मैच ही देखोगे क्या? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना। तो भाई बैठा है मदद करने के लिए। भाई कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंडिया की नंबर वन लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन का, जो कि भैया एक नंबर प्रेडिक्शन करती हैं, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और भाई बहुत लोग हैं इंडिया में और बाहर भी जो आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, कोई 1000 कोई 2000, लेकिन भाई यहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इनके टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए वर्ल्ड कप में भी और फिलहाल भी कहीं भी जो मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। बस उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर पैसा ही पैसा छापना है। तो बिल्कुल ही वेट मत करो भाई, ये जो आकांक्षा है ना 8-10 साल का इसको एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एनालिसिस करती है, इसीलिए इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है हर चीज की, चाहे टॉस हो, चाहे कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम कितना स्कोर मारेगी, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो भाई से मेरी बात विश्वास मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो और मस्त पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि आज का दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी भी इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ। देखो आज के दिन जो अपनी टीम एशियन गेम्स में गई हुई है उसका पहला मैच होना है नेपाल के खिलाफ, और पहली बार जो मेंस क्रिकेट है वो एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। हां आज का मैच तो देखो भारत जीत ही जाएगी, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा और इंडिया ने वो मैच जीत भी लिया होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि कल के दिन एक बहुत ही अलग चीज भी हुई। कल के दिन पीसीबी के चेयरमैन ने बीसीसीआई को एक प्रपोजल भेजा कि हर साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बायलेटरल सीरीज खेली जानी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए गांधी जिन्ना सीरीज। तो इस प्रपोजल पे मैं तो यही कहना चाहूंगा मतलब इन लोगों को फोकट में थोड़ी सी अच्छी खातिरदारी क्या मिल गई, ये तो माथे पे चढ़ के बैठ गए। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं इस प्रपोजल पे इतने रूड तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज हो जाए तो हमें तो देखने मजा आएगा, तो भाई रूड तरीके से मैं इसलिए बिहेव कर रहा हूं क्योंकि जिस पीसीबी चेयरमैन ने इंडिया को यह प्रपोजल दिया है ना बायलेटरल सीरीज खेलने का, यही पीसीबी का चेयरमैन कुछ ही दिन पहले क्या कह रहा था कि हमारे प्लेयर जो हैं वो दुश्मन मुल्क में गए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनका मोराल जो है एकदम हाई रहना चाहिए। मतलब जिसको तुम कुछ दिन पहले दुश्मन मुल्क कह रहे थे, अब तुमको उनके साथ बायलेटरल सीरीज खेलनी है। भाई मतलब ईमान नाम की कोई चीज ही नहीं है क्या इन लोगों में? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी के अंदर ईमान नहीं बचा है, बचा है भाई, कुछ लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग बचा हुआ है और बीच बीच में वो समझदारी वाली बातें कर भी देते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों की पाकिस्तान में बिल्कुल इज्जत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर बीच बीच में ऐसे कई बयान देते रहते हैं जहां वो पाकिस्तान को याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हारी असल में भारत के सामने औकात क्या है। आपको याद होगा एशिया कप 2023 से पहले जब पाकिस्तान ने इंडिया को ये धमकी दी थी कि अगर आप लोग एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने आप क्या नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे बच्चे हैं वो इंडिया आ चुके हैं। तो उस वक्त पे जब ये बयान दिया गया था ना, तो मोहम्मद आमिर ने क्लियरली ये कहा था कि देखिए इतना बहाव में आके ये सब बातें मत करिए, क्योंकि अगर इंडिया का दिमाग ठनक गया ना तो वो आपको सामने से मना कर देगा, उस वक्त पे आप ही लोग रोते रहेंगे कि साला ऐसा क्यों बोल दिया, अब खेलने जाने को नहीं मिल रहा है। और कल के दिन भी मोहम्मद आमिर ने बहुत ही कमाल की बात करी, मतलब बहुत ही कमाल
इजाफा की बात करी, जिससे उनके लिए जो दिल में इज्जत थी उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो गया है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने कल के दिन कहा कि विराट कोहली जो है वो उस लेवल के प्लेयर हैं जिनकी डिक्शनरी में प्रेशर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। आज के वक्त पे ऐसे इकलौते प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली हैं जिनकी डिक्शनरी में प्रेशर नाम का कोई वर्ड आता ही नहीं है। और देखो, विराट कोहली के साथ तो ऐसा है ना कि अगर गलती से किसी को लगता है कि भाई प्रेशर उन पे बना हुआ है, तो प्रेशर में तो विराट कोहली यहां से यहां पहुंच जाता है। क्योंकि विराट कोहली ने भाई कई बार खुद कई इंटरव्यूज में ये कहा हुआ है कि जब भी मेरे ऊपर किसी ने प्रेशर बनाने की कोशिश करी है तो उस वक्त पे जो मेरा परफॉर्मेंस होता है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है, और खासकर अगर कोई मुझे सिलेक्ट करने की कोशिश करता है उस वक्त पे तो जो खेलने का मुझको मजा आता है ना, मैं ऐसा खेलता हूं कि सामने वाले के साथ खेल ही जाता हूं। बाकी जैसा कि आपको पता ही है कि आज के दिन खेला जाना है भारत और नीदरलैंड के बीच वार्म अप मैच, लेकिन थोड़ी सी दुख की बात यह है कि यह वार्म अप मैच केरला में खेला जाना है, जहां पे मैंने कल भी कहा था कि बारिश की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसके चलते ये पूरा मैच हो पाए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन एक और यहां पे चौंकाने वाली बात यह है कि विराट कोहली जो है वो गुवाहाटी से केरला टीम के साथ नहीं आए हैं, वो मुंबई निकल लिए हैं, क्योंकि उनको कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई है, पर उम्मीद है कि आज के दिन वो इंडियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब वार्म अप मैच में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, और अगर नहीं भी खेलते हैं तो बहुत ज्यादा शौक नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल वो कम ही खेलते हैं ओडीआई मैचेस, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनको कम ही खिलाए जाते हैं ओडीआई मैचेस। बाकी कल के दिन हमारी इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड न्यू फोटो शूट किया, जहां पे सारे इंडियन प्लेयर्स अलग-अलग मस्त-मस्त पोज दे रहे थे, कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब पोज भी दे रहे थे। गिल तो भैया मस्त गॉगल्स वगैरह लगा के पहुंचे थे, ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए फोटो शूट कराने नहीं आए हैं बल्कि कोई उनकी अपकमिंग मूवी है उसके लिए आए हुए हैं। लेकिन पता है भैया खुशी क्या देख के मिली? खुशी असल में ये देख के मिली कि केएल राहुल का वो विंटेज सेलिब्रेशन लौट आया है, जो कि उन्होंने पिछले कुछ वक्त से करना बंद कर दिया था, क्योंकि असल में उनका ये जो सेलिब्रेशन है इसका मतलब होता था शट द नॉइस, कि भैया जो भी लोग मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन सब की बातें मैं सुनना नहीं चाहता हूं। पर पिछले कुछ वक्त से उनके बारे में लोगों ने बात ही करना बंद कर दिया था, तो आखिरकार में जाता क्या, और उससे थोड़ा और पहले जाएं तो वहां पे लोग इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि कान बंद भी कर लेते तब भी उनको सुनाई देता। पर फिलहाल ये कहने में कोई शक नहीं है कि केएल राहुल लौट आया है, और ऐसे लौटा है कि हर कोई ये कहने पे मजबूर हो गया है कि केएल राहुल वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ लोगों को जो थोड़ी बहुत शिकायत यहां पे केएल राहुल से थी वो उनकी विकेट कीपिंग को लेके थी, खासकर जो पिछली ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज हुई थी वहां उन्होंने बहुत सारी मिसफील्ड कर दी थी, एक दो रन आउट छोड़ दिए थे, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा और लोग कहने लगे थे कि राहुल भाई देखो बैटिंग तो बढ़िया कर रहे हो पर यार ये कीपिंग के चक्कर में कभी मैच हार गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, और कहीं पे अगर हमें ईशान किशन को ना खिलाना हो और इसलिए सिर्फ खिलाना पड़ जाए कि आपसे कीपिंग नहीं हो पा रही है तो ये और दिक्कत की बात है। पर केएल राहुल ने कहा कि भैया जब बैटिंग शानदार हो गई है तो कीपिंग भी जबरदस्त हो ही जाएगी, इसीलिए कल के दिन जहां बाकी टीम के प्लेयर्स उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो केएल राहुल थे जो भैया टायर लगा के मस्त विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया कुछ भी करके वर्ल्ड कप जीतना है, मतलब कुछ भी करके। बाकी तुम्हें पता है कि कल के दिन ट्विटर के द्वारा सितंबर महीने की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया में वो कौन से टॉप 10 अकाउंट है जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात करी गई, और यहां पे भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा तो कतई बवाल कर दिए हैं। आओ चलो तुम्हें वो टॉप 10 नाम बता ही देता हूं। 10वें नंबर पे हैं अक्षय कुमार, 9वें नंबर पे हैं रोहित शर्मा, 8वें नंबर पे हैं राहुल गांधी, 7th नंबर पे हैं सलमान खान, 6th नंबर पे हैं पवन कल्याण, 5th नंबर पे हैं आदित्यनाथ योगी, 4th नंबर पे हैं एक्टर विजय, 3rd नंबर पे हैं शाहरुख खान, 2nd नंबर पे हैं विराट कोहली, और 1st नंबर पे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। वैसे एक बात सच सच बताना कि आप इन 10 अकाउंट में से किस किस अकाउंट को अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देखो ये तो तुम जानते ही हो कि पिछले कुछ वक्त से अलग अलग क्रिकेटरों से सवाल किया जा रहा है, खासकर वो क्रिकेटर जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, एक तरीके से क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके हैं, कोई कमेंटेटर बन चुका है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो कुछ बन गया है, धोनी भाई तो अक्सर किसान बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जहां इन अलग अलग रिटायर्ड हुए क्रिकेटरों से ये सवाल किया जा रहा है आजकल कि आपके हिसाब से वो कौन सा प्लेयर होगा जो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन मारेगा, तो वहीं पे जब कल के दिन ये सेम सवाल वीरेंद्र सहवाग से शो के दौरान किया जाता
करना है, तो वीरेंद्र सहवाग पता है क्या जवाब देते हैं? वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि देखो भाई, मेरे को ये नहीं पता कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो तो देखो वक्त बता ही देगा, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं किसे बनते हुए देखना चाहता हूं, तो मैं आंख बंद करके नाम लूंगा मेरे चीकू का, यानी कि विराट कोहली का। उन्होंने चीकू ही कहा है, हाँ मैंने नहीं कहा है मेरा चीकू, उन्होंने कहा है कि मैं चीकू को देखना चाहता हूं वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन मारते हुए, क्योंकि भैया सहवाग भी दिल्ली से हैं, कोहली भी दिल्ली से हैं, तो वो लोग चीकू बुला सकते हैं, बुलाने को हम भी बुला सकते हैं, लेकिन कोहली भाई को पता चलेगा तो बहुत मारेंगे, क्योंकि किसी ने बताया था कि उनको ज्यादा पसंद नहीं है कोई यूं ही उनको चीकू बुला दे। वैसे जहां वर्ल्ड कप की बात हो ही रही है, तो क्यों ना इसी बात पे मैं तुम्हारी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूं। देखो ये तो तुम जानते ही होगे कि जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा होता है उस देश को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है फाइनेंशियल टर्म में, मतलब उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है पैसों के मामले में, क्योंकि भैया जिस देश में वर्ल्ड कप हो रहा है जाहिर सी बात है भैया बहुत ही महंगे महंगे राइट्स बिकते हैं, उसके अलावा बाकी देश के लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग तरीके की स्पॉन्सरशिप करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो भैया चारों तरफ देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूं कि 2015 में जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था, उस वक्त पे पता है कितने पैसों का फायदा पहुंचा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को? टोटल 2,886 करोड़ का। उसके बाद अगला वर्ल्ड कप 2019 का जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, तो वहां पे इंग्लैंड को पता है कितने पैसों का फायदा हुआ था उनकी इकोनॉमी में? 3,727 करोड़। लेकिन इस बार जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इंडिया में, तो पता है इंडिया को कितने पैसों का यहां पे कंट्रीब्यूशन मिल सकता है भैया उनकी इकोनॉमी में? तो वो अमाउंट है 13,318 करोड़। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वैसे जहां पैसों की बात हो ही रही है, तो क्यों ना इसी बात पे मैं तुमसे थोड़ा सा सीरियस सवाल पूछूं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास कितने पैसे आ जाएं जिसके बाद तुम ये मान लोगे कि भाई अब लाइफ ठीक ठाक कट जाएगी, कि मतलब मुझे अपनी लाइफ अच्छे से बिताने के लिए बस इतने पैसे मिल जाएं, फिर ज्यादा मुझको कोई उम्मीदें नहीं है? तो वो अमाउंट तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, एकदम ईमानदारी से बताना। ये नहीं भैया 100 करोड़ 500 करोड़ लिख रहे हैं, एक डिसेंट अमाउंट जिसके आने के बाद तुम्हें ये लगेगा कि भाई इतने पैसों मेरी जिंदगी ठीक ठाक कट जाएगी, तो बस वो मैं जानना चाहता हूं, जिससे मुझको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि मेरी जो ऑडियंस है आखिर उसका माइंडसेट किस तरीके का है, उसका फाइनेंशियल लेवल किस तरीके का है, उनकी फाइनेंशियल थिंकिंग किस तरीके की है। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, भले ये सवाल बहुत क्रिकेट रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहां पे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से केएल राहुल क्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड कप 2023 में अपनी कीपिंग और अपनी बैटिंग से? जिसको भी यकीन है वो भी कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी आपको पता ही है क्या करना होता है, बिना समय बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पे जैसा मैंने कहा इतनी सटीक भाई तुमको प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी कि भैया उसका इस्तेमाल करके वो भी फ्री में मिलेंगी। भाई सबसे मेन बात तो ये है, कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप में भैया चांदी ही चांदी होगी। तो बस मेरी बात विश्वास मत करो, मैं कहता हूं ना सिर्फ विश्वास मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ जाके ज्वाइन करो, फिर देखो भाई आकांक्षा का पिछले 8-10 साल का जो एनालिसिस का एक्सपीरियंस है ना, जिस तरीके से एकदम सटीक प्रेडिक्शन देती है ना भाई, कसम से तुम खुद चौंक जाओगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, कोई भी दिक्कत आए जाके मैसेज कर देना, बस सारी दिक्कतें सॉल्व। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो भी मैसेज कर देना, अपने आप तुमको ज्वाइन कर दिया जाएगा, हम कह रहे हैं ना, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आई लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।